दोस्तों व्हाट्सएप पर आप अपने किसी भी फ्रेंड को कोई भी मैसेज भेजकर उसे डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास 68 मिनट्स का टाइम होता है। इसी तरह से आपको भी कोई भी फ्रेंड मैसेज भेजकर उसे डिलीट कर सकता है 68 मिनट्स के अंदर। ऐसे में अगर आपने उस डिलीटेड मैसेज को नहीं देखा है और आप जानना चाहते हैं कि उस डिलीट किए हुए मैसेज में क्या लिखा था, तो आपको इस वीडियो में बताई गई ट्रिक को यूज़ करना होगा। यही नहीं दोस्तों, अगर आपसे भी किसी फ्रेंड की चैट गलती से क्लियर हो जाती है या डिलीट हो जाती है तो आप उसे भी इजीली देख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको दो काम करने हैं। पहला काम यह है कि आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है और ऑल पर सेट कर देना है। और इसके बाद जो दूसरा काम है वो है इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री लॉग। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप इस ऐप को ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहां पर आपको बॉटम साइड में कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट इंटरफेस में टर्म्स एंड यूज एंड प्राइवेसी एक्सेप्ट करनी है। तो इसके लिए यहाँ पर एग्री के इस चेक बॉक्स पर टिक करना है और बॉटम साइड में एग्री एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में आपको राइट की तरफ स्वाइप करते जाना है और बॉटम साइड में इनेबल परमिशन ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आप अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन एक्सेस सेटिंग में पहुंच जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री लॉक के सामने इस टॉगल बटन को इनेबल करना है, जिसके बाद एक पॉपअप ओपन होगा, तो इसमें आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको बैक आना है और बॉटम साइड में कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है और पॉपअप में इनेबल ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद इस तरह से एक और पॉपअप ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। बस आपको यहाँ पर इतनी सेटिंग करनी है। इसके बाद व्हाट्सएप पर आपका कोई भी फ्रेंड मैसेज भेजकर उसे डिलीट कर देता है या फिर आपसे ही कोई चैट गलती से डिलीट हो जाती है या फिर क्लियर हो जाती है, तो आप डिलीटेड मैसेज या फिर डिलीटेड चैट को इजीली देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इस फ्रेंड की चैट ओपन करके ये मैसेजेस डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह से आपसे भी किसी फ्रेंड की चैट डिलीट हो जाती है, क्लियर हो जाती है, या फिर आपका कोई फ्रेंड आपको मैसेज भेजकर उसे डिलीट कर देता है, तो आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री लॉग ऐप ओपन करनी है और एडवांस हिस्ट्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में आपको व्हाट्सएप ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से आपके सामने उस फ्रेंड की डिलीटेड चैट आ जाएगी। तो गाइज इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से सभी डिलीटेड मैसेज आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप गलती से डिलीट हुई चैट्स या फिर डिलीटेड मैसेजेस को रिकवर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।